अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। आज मैं बना रही हूँ आलू बेसन के क्रंची पकोड़े जो बहुत टेस्टी बनते हैं। इनके लिए मैंने एक बड़ा प्याज लेके कट किया है, एक बड़ा आलू लेके मैंने कश किया है, हरा धनिया लिया है, बेसन लिया है, सूखा धनिया लिया है, कटी हरी मिर्च ली है, अनारदाना लिया है, नमक लिया है, कुटी लाल मिर्च ली है। ये सारी चीजें आप हंस पे जरूर जितनी लेनी चाहिए ले सकते हैं, बहुत मजे के बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैंने सारी चीजों को इस बोल के अंदर डाल के पानी डाल के मिक्स कर लिया है और हमारा लिक्विड तैयार है। पास ही आयल हमारा गर्म हो रहा है तो अब हम उसमें डालते हैं पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच थोड़ी सी मैं तेज कर लेती हूँ। पकौड़े हमारे रेडी हो रहे हैं, मैं इनकी साइड चेंज कर लूँ। माशाल्लाह से बहुत क्रंची बहुत टेस्टी पकोड़े हमारे रेडी हो रहे हैं। जैसे ही पकोड़े हमारे रेडी हो जाएंगे फिर हम इसको निकाल लेंगे। निकाल के मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़े के बनते हैं आलू कश करके ना, बहुत टेस्टी बनते हैं। रेडी हो चुके हैं तकरीबन मेरे और पकोड़े, मैंने निकाल लेती हूँ और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने पकोड़ों को डिश आउट कर लिया है। क्रंची क्रंची टेस्ट टेस्टी पकोड़े हमारे रेडी हैं। दही की चटनी के साथ इसको खाइएगा, केचप भी ले सकते हैं, बहुत मजे के बने हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।